नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश। आज हम यह वीडियो में जानेंगे कि ट्रैक्टर का जो गैरेज होता है वह कैसा होता है, वहाँ का क्या काम किया जाता है, कौन कौन से टूल बॉक्स होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं। तो आइए यह वीडियो में हम बड़े विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि यह ट्रैक्टर खड़ा है स्टैंडर्ड का। ये अभी इस ट्रैक्टर पर इंजन का काम चल रहा है, इसलिए खुला है। और जैसे ही हम आगे बढ़ें तो ये ड्रम रखा हुआ है जिसमें ऑयल है, जो ऑयल पल्टी किया जाता है, मतलब ख़राब ऑयल जो होता है वो इस ड्रम में रख दिया जाता है और जो सही ऑयल को गाड़ी में रख देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये दिख रहा होगा, ये ट्रैक्टर का ऑयल फिल्टर है और ये ऑयल वाले डिब्बे हैं, इधर छोटे छोटे रखे हुए हैं। और ये ठिया रखा हुआ है लकड़ी का, और ये टामी रखा हुआ है, मतलब ये नट बोल्ट खोलने के लिए टामी रखा हुआ है नट बोल्ट खोलने के लिए। ये क्राट रखे हुए हैं, मतलब कि ये टूल है, ये ट्रैक्टर का जो काम आता है बनाने में वो सब रखा हुआ है। ये टूल पेटी कह सकते हो इसको। और यहाँ पर पेचकस रखे हुए हैं, पाना है, रिंग पाना, पट्टी पाना, और ये पेचकस हो गया। और मतलब पूरा टूल रखा हुआ है ताकि जब भी जिसका जैसा जरूरत पड़े उस हिसाब से आदमी काम कर सके। और ये राड रखे हुए हैं ताकि कई बार गाड़ी बनाते समय राड की भी आवश्यकता पड़ जाती है, कुछ ऐसे जगह में लगा करके फंसा करके काम करना पड़ता है, तो सारी मतलब व्यवस्था है। ये छीनी रखा हुआ है इधर, ये छोटे छोटे छीनी हैं। और ये देख लीजिए, ये कुछ, हाँ ये रेती है, रेती कई प्रकार की रेती हैं। यहाँ बेल कंडीशन छीनी है, ये बेल कंडीशन छीनी है, मतलब छीनी मतलब हर प्रकार के औजार मतलब है जिससे कि काम हो सके। जो कोई भी कंपनी के ट्रैक्टर हो उनको बनाने में जरूरत पड़ती है, जो जरूरत पड़ती है बनाने में वैसा टूल जो है, वैसे नट बोल्ट हो गया, पाना प्लास, पेचकस, हर चीज रखा गया है ताकि जब जिसका जैसा जिस कंपनी के ट्रैक्टर आए उनको खोलने के लिए, उनको बंद करने के लिए जो जैसा जिसकी जरूरत पड़े वो सब रहे, मतलब वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक ट्रैक्टर बनाने के लिए जरूरी है। और ये जैक रखा हुआ है, छोटे जैक, बड़े जैक, हर प्रकार के जैक रखे हुए हैं। और अब इधर आगे बढ़ते हैं, ये छोटे छोटे किट रखे हुए हैं। ये ट्रैक्टर का साइलेंसर रखा हुआ है यहाँ पर, ये चल क्या बोलते हैं इसको, पुश राड बोलते हैं, पुश राड। हाँ, हेड है इस इंजन का। और ये ट्रैक्टर का ब्रेक शू है, ब्रेक शू, ये ट्रैक्टर का देख लीजिए दोस्तों, ये इंजन के अंदर लगने वाला लाइनर है, इसके अंदर पिस्टन चलता है, इसके अंदर पिस्टन चलता है। अच्छा हो गया, ये पिस्टन है, ये पिस्टन हो गया। पिस्टन क्या काम आता है, इससे क्या काम रहता है गाड़ी में लगे होने का, ये चलता है, मतलब ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है, नीचे से ऊपर। अच्छा, बार बार जब तक गाड़ी चार्ज स्टार्ट रहती है, अच्छा मतलब शुरू जब से स्टार्ट हुई तब तक ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ये कनेक्टिंग, ये क्रैकिंग कहाँ लगता है, इंजन में लगता है, क्रैंक में। अच्छा, क्रैंक में लगता है, हर गाड़ी में लगता है कि कोई भी कंपनी ट्रैक्टर हो, कोई भी ट्रैक्टर, हर गाड़ी में, बोलेरो, स्कॉर्पियो सब में लगता है। अच्छा, बार ट्रैक, डाला नंबर, हाइड्रा फ्लोरिंग मशीन, मतलब कोई भी कंपनी में इलेक्ट्रिक, हर गाड़ी में लगता है, हर गाड़ी में लगता है ये पिस्टन। और ये क्या रखे हुए हैं, ये गैस्केट रखा हुआ, गैस्केट। अच्छा, और ये भी गैस्केट है ना, ये गैस्केट है सब, अच्छा पूरे गैस्केट है ये, ठीक है। और ऊपर देख लीजिए गाइस, इधर का सामान रखा हुआ है, इंडिकेटर, क्राउन, खाली सर्किट, ये सब। तो दोस्तों आपने देखा कि जो ट्रैक्टर गैरेज होता है वहाँ क्या क्या सामान रखे होते हैं, क्या क्या काम किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये वीडियो में आपने देखा। गैरेज में ये रहता है कि खोलने, कोई भी गाड़ी हो उसको खोलने के लिए जो टूल होता है वो रखा होता है, जिससे कि उसको खोल करके पुराना सामान निकाल करके नया सामान लगाया जा सके, फिर उसको वैसे ही फिट किया जा सके, मतलब पाना, पेचकस, रिंग पाना, हर प्रकार के टूल रहते हैं। आपने देखा था, एक वीडियो हमने दिखाया था कि कार वाले गैरेज में क्या क्या सामान होते हैं, लेकिन आज यह वीडियो में आपने देखा कि ट्रैक्टर गैरेज में क्या क्या होता है, क्या क्या काम किया जाता है, कैसे किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आपके चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और पास वाली बेल को जब बटन जरूर ऑन कर लेना। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना। ठीक गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।